फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ होली स्पेशल मालपुआ की रेसिपी। फ्रेंड्स, मालपुआ तो हर कोई बनाता है, हर किसी के घर में मालपुआ बनता है। फ्रेंड्स, होली आने वाला है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना बिल्कुल यूनिक स्टाइल मालपुआ की रेसिपी शेयर किया जाए। फ्रेंड्स, ये मालपुआ दिखने में जितना टेस्टी है, जितना डिलीशियस देखने में लग रहा है फ्रेंड्स, इससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में है। फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं इस मालपुआ को न्यू ट्रिक और टिप्स के साथ बनाई हूँ। ये देखिए कितनी डिलीशियस हमारी मालपुआ दिख रही है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ये कौन सा न्यू ट्रिक है जिस ट्रिक के साथ इतनी यम्मी और डिलीशियस मालपुआ तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललिता और स्वागत करती हूं आप सबका ललिता किचन हेल्दी एंड टेस्टी फूड में। फ्रेंड्स, देखिए मैंने मालपुआ बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का यूज़ किया है। ये मैंने एक कप दूध ले लिया है। फ्रेंड्स, मैंने फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है। बॉयल किया हुआ दूध है फ्रेंड्स। 100 ग्राम मावा है, खोआ, 1 कप मैदा है और 1/2 कप सूजी है और 2 पके हुए केले हैं। फ्रेंड्स, जितना मैदा लेना है उसका 1/2 सूजी लेना है। अब फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इस बैटर को ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है फ्रेंड्स, उसमें मैंने जो भी सामग्री लिया है सबको ऐड कर दूंगी और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करूंगी। फ्रेंड्स, आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बट मिक्सी में इसका पेस्ट बना कर लेने से क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारी समय की बचत होगी और साथ के साथ परफेक्ट मालपुआ भी बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, इस मालपुए की बैटर को जब भी मिक्सी में ग्राइंड करें तो इस बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स कि एक बार में एक साथ में सारे दूध को ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारी जो डो है वो परफेक्ट बनेगी। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें 4 छोटी चम्मच चीनी भी ऐड कर दिया ताकि हमारी मालपुआ अंदर से फीकी ना रहे। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करने से फ्रेंड हमारी परफेक्ट डो बनकर तैयार होगी। न तो डो हमें पतली चाहिए मालपुआ के लिए, ना ज़्यादा गाढ़ी चाहिए। अगर पतली डो बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स तो मालपुए जो हैं वो परफेक्ट नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा मालपुआ बनेगा। और इसका परफेक्ट डो रहेगा तो मालपुआ बिल्कुल गोल गोल अच्छा बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। ये देखिए, अब थोड़ा सा और इसमें दूध ऐड करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए मालपुआ के लिए। अब मैं एक बड़ा बर्तन ली हूँ, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी फ्रेंड्स। और इस बैटर को फ्रेंड्स 1 घंटे के लिए रेस्ट पे कवर करके छोड़ देना है। अब आइए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे मैंने भगोना रख दिया है और मैंने 1 कप चीनी ले लिया है और 1 कप पानी। फ्रेंड्स, मालपुए की चाशनी जो बनानी होती है उसके लिए हमें कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, हमें सिर्फ चिपचिपा चाशनी चाहिए। एक कप पानी डाल दूंगी इसमें और फ्रेंड्स हाई टू मीडियम फ्लेम पे चाशनी को पका लेना है। चाशनी को पकाते टाइम इस बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ चिपचिपा चाशनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए चिपचिपा, बस हमें इसी तरीके का चाशनी चाहिए। अब गैस को ऑफ कर देना है फ्रेंड्स। गैस ऑफ करने के बाद मैंने इलायची लिया है, मैंने खड़ी इलायची लिया है फ्रेंड्स, छोटी वाली, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप इलायची पाउडर डाल दें।
और मैंने फ्रेंड्स कुछ केसर के धागे को पानी में भिंगोकर रख दिया था, उसे भी मैं इस चाशनी में ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स आपके पास केसर हो तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट केसर भी आप मालपुआ बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं इसमें इलायची और केसर के धागे ऐड कर दूंगी और इस चाशनी को फ्रेंड्स कवर करके साइड में रख दूंगी। अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं मालपुआ तलने के प्रोसेस में। चाशनी को फ्रेंड्स कवर करके साइड में रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक घंटे हो गए हैं, बैटर हमारी अच्छी फूल गई है। अभी से एक बार और मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए। ये देखिए, ये बैटर ना तो ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा ठीक है। अब मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, उसे ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स सौंफ मालपुआ में आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मालपुआ में सौंफ का बहुत ही अलग टेस्ट आता है और काफ़ी अच्छा मालपुआ इससे लगता है फ्रेंड्स। और मैंने बारीक चॉप करके बादाम ले लिया है और थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल उसे ही बारीक चॉप करके ले लिया है। फ्रेंड्स आपके पास नारियल पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फाइनली हमारी ये, अब 2-4 केसर के धागे हैं और एक इलायची है, इसे भी डाल दूंगी। और फाइनली हमारी फ्रेंड्स ये बैटर तलने के लिए तैयार है। अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं गैस की तरफ और मालपुए को तल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे मैंने कढ़ाही रख दिया है, कढ़ाही हमारी गर्म हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें तेल डाल दिया है। फ्रेंड्स आप मालपुआ घी में भी तल सकते हैं फ्रेंड्स, बट मैंने मालपुआ को तेल में तला है। आप घी में तलिए, घी का मालपुआ और भी अच्छा रहता है। अगर घी खाते हो तो घी में तलिए, अदरवाइज़ आप तेल में ही मालपुआ तलिए। परफेक्ट और टेस्टी मालपुआ बनकर तैयार होगा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने बैटर डाल के चेक कर लिया। और फ्रेंड्स मालपुआ कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, मालपुआ को ऑलवेज़ मीडियम फ्लेम पे तलें। हाई फ्लेम पे मालपुआ तलने से फ्रेंड्स क्या होगा कि ऊपर से मालपुआ जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है मालपुआ तलने में कोई भी जल्दीबाजी ना करें। फ्रेंड्स इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से उलट पलट कर मालपुआ को तल लेना है। और मालपुआ को फ्रेंड्स, मालपुआ का बैटर को तेल में बिल्कुल सावधानी से डालें, इसे झटके से ना डालें। अगर आप झटके से डालेंगे तो मालपुआ का जो शेप है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आप बिल्कुल आराम से तेल के सेंटर पे इसे डालें बीचों बीच और अपने आप मालपुआ गोला शेप में बन जाएगा, अगर आपकी परफेक्ट डो रहेगी तो। मान लीजिए फ्रेंड्स आप इसका डो बना रहे हैं, डो आपकी हल्की पतली हो गई है, तो आप थोड़ा सा और मैदा उसमें मिक्स करके डो को थिक बना लें। आफ्टर डैट आप मालपुआ को बनाएं। ये देखिए दोनों साइड से छलनी की मदद से मालपुए के ऊपर गर्म तेल को डालना है। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मालपुआ फूल गई है। अब जब मालपुआ एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे दूसरे साइड से पलट दें। ये देखिए मालपुआ हमारी एक साइड से अच्छी सिक गई है। अब इसे दूसरे साइड से पलट करके भी फ्राई कर लेना है अच्छे से। मालपुआ हमारी दोनों साइड से सिक गई है फ्रेंड्स, अब आइए इसे निकाल देंगे। फ्रेंड्स आप ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी हमारी मालपुआ बनकर तैयार हो गई है। सारे मालपुआ फ्रेंड्स
इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। और तेल में फ्रेंड्स बिल्कुल सावधानी से बैटर को डालना है। और जब नीचे की साइड से फ्रेंड्स मालपुआ सिक जाए तो ही दूसरे साइड से इसे पलटे। ये देखिए सारे मालपुआ हमारे कैसे फूल रहे हैं, बिल्कुल ये देखिए अपने आप मालपुए फूल गए। अब इसे पलट दे फ्रेंड्स, देखिए एक साइड से सिक गया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली मालपुआ भी अच्छी सीख गई है एक साइड से। अब सारे मालपुआ फ्रेंड्स मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स सारे मालपुआ मैंने तलकर तैयार कर लिया और चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी है। और अब मैं इसमें सारे मालपुआ को ऐड कर दूंगी, सबको डिप कर दूंगी फ्रेंड्स, और 15 मिनट के लिए इसे कवर करके इस चाशनी में ही रेस्ट पर छोड़ दूंगी। आफ्टर डैट फ्रेंड्स मैं मालपुए को सर्व करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी हमारी मालपुआ बनकर तैयार हुई है। ये देखिए सबको अच्छे से सबके ऊपर चाशनी रख देना है फ्रेंड्स, चाशनी को अच्छे से सारे मालपुए के ऊपर डाल दें और इसे कवर करके रख दें फ्रेंड्स। 15 मिनट के बाद मैं इसे सर्व करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी मालपुआ सर्व करने के लिए तैयार है। कितनी डिलीशियस मालपुआ बनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग इस होली इस न्यू ट्रिक वाली मालपुआ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस मालपुआ की रेसिपी को बनाने के बाद फ्रेंड्स हमें आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारी मालपुआ बनकर तैयार हो गई सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मालपुआ बनी है फ्रेंड्स। उम्मीद कर ये मालपुआ की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।